गाइस, दिस इज मी रेशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आई हूँ द हेवन ऑफ चीप क्लोथ, दैट इज सरोजनी नगर। वैसे तो अभी सिर्फ एक ही दिन है हमारा स्टे दिल्ली में, तो हमने सोचा कि लेट्स यूटिलाइज इट। तो अभी मैं और मम्मी आए हैं सरोजनी नगर। मैं तो दिल्ली बहुत टाइम रह चुकी हूँ, तो काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन अम्मा के लिए फर्स्ट टाइम है। शी इज़ रियली एक्साइटेड फॉर दिस, इसीलिए मैं भी लेके आई। तो चलिए मेरे साथ बनी रही है। सरोजनी नगर के साउथ विंग से एंटर करते ही सबसे पहले मैं पहुंच गई ज्वेलरी शॉप के पास, क्योंकि मैं जब भी सरोजनी आती हूँ द वन थिंग दैट आई हैव टू गेट माई सेल्फ इज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा इस इन्हीं शॉप्स के अराउंड घूमती फिरती रहती हूँ। अभी चलते चलते हम उस लेन में पहुंच गए जो कि हम इंस्टाग्राम में काफ़ी बार देखते हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स बहुत फेमस है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन शॉप को बार बार रेकमेंड करते हैं। तो ये पूरा लेन वाइट शर्ट्स का है, फिर आपको ये पूरा ओवरकोट्स का मिल जाएगा, फिर डेनिम शॉर्ट्स एवरीथिंग। तो गाइस, एक एडवाइस है, जब भी आप सरोजनी में शॉपिंग करो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर स्किप करना है, दैट इज़ मेकअप। यहाँ पे मेकअप एंड स्किन केयर बहुत ही गंदा क्वालिटी का होता है, कभी मत यूज़ करना। बाकी आप सब कुछ खरीद सकते हो सरोजनी से, बहुत ही चीप मिलता है लेकिन अच्छा क्वालिटी का मिलता है अगर आप पैसे वाले सिलेक्ट करो अपने साथ। लेकिन मेकअप कभी मत लेना, बहुत ही ख़राब होती है और आपकी स्किन पक्का पक्का ख़राब हो जाएगी। तो एसेट में शॉपिंग करने के लिए आपको तीन चीज़ों में माहिर होना पड़ेगा, बार्गेनिंग एंड बार्गेनिंग करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग आपको सस्ते में कभी भी सामान नहीं देंगे। कितने के ये वाले? 100 रुपए के। कितना है ये? 250 का। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो अगर आप यहाँ आओ तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो कंफर्टेबल शूज एंड क्लोथ्स, उसके बाद सन प्रोटेक्शन बस बहुत ज़्यादा रुपये, और तीसरी बैग बड़ा सा झोला कैरी कीजिए। टॉप से ये वाले, और ये 150 के जीन्स मिल रहे गाइस, 150। ये जॉगर्स भी 150 के हैं, लॉन्ग ड्रेसेस है यहाँ पे, और ये है एनिमेटेड टी शर्ट्स। गाइस, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी गर्मी है ना, कुछ लेने का भी मन नहीं कर रहा है। बस थोड़ा बहुत जो ज़रूरी सामान है वही लेने आए हैं हम लोग। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है और अभी हम घर जा रहे हैं, बस कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे। अभी अम्मा और मैं जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि हमें वहाँ पे एक रिलेटिव जाना है। ये टुक टुक में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम के बाद मैं दिल्ली ऐसे घूम रही हूँ। अभी हम यहाँ से अब्बा का ऑफिस पार कर रहे हैं, मेरे अब्बा यहाँ पे थे, एमसीआई में कहीं पे है। अभी हम टुक टुक से उधर के रिक्शा से जा रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली उनका घर और भी अंदर है। और आपको तो पता ही कि चांदनी चौक की इतनी तेरी मेरी गलियाँ है, अगर आप बहुत नए हो यहाँ पे तो आप खो जाओगे, सो इसलिए हमने रिक्शा ले लिया। अभी ये जर्नी ख़त्म नहीं हो रही, अभी हम पैदल जा रहे हैं उनके घर, क्योंकि उनके घर और बहुत सारी गलियों के अंदर है। तो फाइनली उनके घर पहुंच गए और ये है मेरी छोटी सी कजिन फाइजा। हाय बोलो फाइजा मेरे व्यूअर्स को। हाय। हाँ, चाय नाश्ता करके फिर से हम निकल गए शॉपिंग पर। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक की गलियों में से कुछ कुछ शॉपिंग करने। मुझे अपने लिए जूती लेनी है यहाँ से, ऑफ वाइट वाली कुर्ता अम्मा ने लिया है अपने लिए। हाँ। तो गाइस, फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई और अभी हम वापस जा रहे हैं। अभी खालू ने कैमरा निकाल लिया है हम सबकी फोटो लेने के लिए, और अभी हम बाजार चाहिए है ना फायदा में भी बोल दो। तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की सपनों की अपनों की, ये तस्वीर है जादू के लम्हों की। सो फाइनली वी आर हेडिंग बैक टू आवर रूम। बहुत लेट हो चुका था, इट्स ऑलमोस्ट 10 एंड लुक एट द मून, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। सो आई थिंक आई'll end माई ब्लॉग ओवर हियर। टिल देन दिस इज मी रशा साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू वेरी सून।